अनएकेडमी राजस्थान 360 में आपका स्वागत है। सभी को गुड मॉर्निंग, सभी को गुड इवनिंग, सभी को नमस्ते नमस्ते, सभी को नमस्ते गुड इवनिंग। जल्दी आ जाइए क्लास में, स्टार्ट करने वाले हैं। आज का बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन रहने वाला है। देखो, क्रिएट आरपीएससी विथ इंडियाज लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म अनएकेडमी को आप किस प्रकार से फॉलो कर सकते हो? तो सिंपली आपको मोबाइल की प्ले स्टोर जाके अनएकेडमी लर्निंग ऐप को इंस्टॉल करना है। उसके बाद आप अनअकेडमी से जुड़ जाते हो। अनअकेडमी से जुड़ने के बाद देखो, मैं हूँ विकास जेवलिया, बात करते हैं माई एजुकेशन क्वालिफिकेशन। तो मैंने बीएससी बीएड एंड एमए किया, ये एग्ज़ाम मैंने क्वालिफाई किए हैं और मेरा टीचिंग एक्सपीरियंस है 5 ईयर का। अनअकेडमी से जुड़ने के बाद आपको अनअकेडमी क्या क्या फीचर्स अवेलेबल करवाती है? तो डेली लाइव क्लासेस देती है, लाइव टेस्ट एंड क्विज चलते हैं, स्ट्रक्चर्ड कोर्स मिलते हैं, अनलिमिटेड एक्सेस, वन टाइम सब्सक्रिप्शन के बाद अलग अलग डिवाइसेस के अंदर आप देख सकते हो। इंडिया के टॉप एजुकेटर से जुड़ने का, पढ़ने का अनअकैडमी आपको मौका प्रोवाइड करवाती है। बात करते हैं सब्सक्रिप्शन की। आरपीएससी सब्सक्रिप्शन की बात करें तो 1 ईयर और 2 ईयर का सब्सक्रिप्शन सबसे बेस्ट होता है। 1 ईयर का 7,000 का, 2 ईयर का 8,400 का है। और यदि आप इस सब्सक्रिप्शन में मेरा रेफरल कोड विकास01 यूज करते हो, यदि आप इस सब्सक्रिप्शन में मेरा कोड विकास01 यूज करते हो, तो 1 ईयर का कोर्स आपको 6,300 मिलने वाला है और 2 ईयर का जो कोर्स है वो आपको 7,560 रुपये में मिलने वाला है। अब देखो, बात करते हैं आज का सेशन है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाला है, क्योंकि रीट एग्जाम होती है। रीट एग्जाम का जो पैटर्न है वो मैंने आपको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है। आज का जो टॉपिक है वो बाल विकास, जो यूनिट फर्स्ट है, उसके अंदर से ऐसे क्वेश्चन है, स्ट्रक्चर क्वेश्चन है, जो आपकी एग्जाम के अंदर 2020 रीट के अंदर, साइकोलॉजी के अंदर, यूनिट फर्स्ट के अंदर पूछे जा सकते हैं। इतने अच्छे स्ट्रक्चर क्वेश्चन है, तो आपको बहुत ही अच्छे से इसको एक्सप्लेन करना है और आपको सभी को अपने आंसर देने हैं चैट बॉक्स में। तो आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, परिपक्वता तथा विकास का आधार है। जल्दी बताइए, ए बी सी डी, जल्दी सभी बताएंगे इसका आंसर। बताइए क्या होगा? परिपक्वता और विकास का आधार क्या है? परिपक्वता का आधार क्या है और विकास का आधार क्या है? वृद्धि कार्यक्षमता, अधिगम वृद्धि, वृद्धि अधिगम, कार्यक्षमता वृद्धि। तो देखो, परिपक्वता किससे आती है? वृद्धि से आती है। और विकास कब संभव होता है? जब कुछ सीखते हैं तो लर्निंग लेते हैं, अधिगम करते हैं। तो इसके अंदर कौन सा ऑप्शन होगा? परिपक्वता के लिए वृद्धि और विकास के लिए अधिगम। तो ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, सभी बताएंगे चैट बॉक्स में। ऑप्शन आपका सी करेक्ट होगा, ये मिसप्रिंटिंग होगी, सी करेक्ट होगा। यानी परिपक्वता का मतलब हो गया वर्दी, वर्दी से परिपक्वता आ जाएगी और अधिगम के बाद क्या आ जाएगा? विकास। तो आपका ऑप्शन क्या सही हो जाएगा? सी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। निम्न पर विचार करो, 4 पॉइंट है, वर्दी, परिपक्वता, अधिगम और विकास। इनमें से चेतन मन से, मतलब वर्तमान मन से, आपकी वर्तमान कंडीशन से होने वाली प्रक्रिया कौन सी है? वर्दी होती है क्या वर्तमान मन से? परिपक्वता होती है, अधिगम होता है, विकास होता है। इनमें से कौन से? तो ए केवल एक, केवल दो, तीन व चार, और सभी। बताइए, सभी बताएंगे आंसर इसका, ए बी सी डी। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ऐसे। तो इसके अंदर होते हैं दोनों, तीन व चार, मतलब अधिगम और विकास ही केवल चेतन मन से होते हैं, जबकि वृद्धि और परिपक्वता अचेतन मन से, यानी जन्मजात प्रक्रिया अपने आप चलती रहती है। सी ऑप्शन सी हो जाएगा इसमें। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, विकास होता है, विकास किस प्रकार से होता है? लंबवत होता है, क्षैतिज होता है, वर्तुलाकार होता है, इनमें से कोई नहीं। तो मैंने बताया था विकास की प्रक्रिया लंबवत प्लस क्षैतिज, मतलब स्पाइरल होती है, समवर्तुलाकार होता है, वर्तुलाकार सिद्धांत बताया था मैंने। तो इसमें से ऑप्शन कौन सा सही होगा आपका? सभी कमेंट बॉक्स के अंदर लिखेंगे जल्दी, इसका आंसर सही क्या होगा? तो ऑप्शन सही होगा वर्तुलाकार, सी ऑप्शन, वर्तुलाकार सी ऑप्शन। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं। इनमें से कौन सी क्रिया निष्क्रिय रहने पर भी जारी रहता है, यदि आप एक्टिव नहीं हो तभी भी जारी रहती है? इनमें से कौन सी ऐसी प्रक्रिया है? तो वृद्धि, अधिगम, विकास, सभी। तो देखो, अधिगम और विकास चेतन मन से होते हैं, आप यदि एक्टिव हो, सक्रिय हो तभी होते हैं, जबकि वृद्धि अपने आप होने वाली प्रक्रिया है, वृद्धि अपने आप होती रहती है, यानी अचेतन मन से होती है, जन्मजात प्रक्रिया है। चलो क्वेश्चन नंबर 5 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, कौन सा कथन सत्य है? फर्स्ट ऑप्शन आएगा वृद्धि विकास का अंग है, यानी विकास का ही अंग है वृद्धि। वृद्धि किसका अंग है?
विकास का ही अंग है। ठीक है, बात वर्दी विकास का अंग है। विकास क्या है? व्यापक एवं स्वतंत्र है, व्यापक और स्वतंत्र है। ठीक है, तो मैंने बताया था आपको विकास के पहलू होते हैं शारीरिक, सामाजिक, संवेगात्मक, सभी प्रकार के पहलू होते हैं। तो शारीरिक पहलू की अपन जब बात करते हैं तो उसका संबंध सीधा सीधा वर्दी से होता है। तो देखो, वर्दी विकास का ही अंग है, बिल्कुल सही बात है। और विकास क्या? व्यापक है, बहुत व्यापक है। और क्या है? स्वतंत्र है, किसी से जुड़ा हुआ नहीं है, किसी पे डिपेंड नहीं है, स्वतंत्र है बिल्कुल। तो ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, कूट कौन सा सही हो जाएगा? केवल एक, केवल दो, एक व दो दोनों और सभी। तो आप ऑप्शन कौन सा होगा? सी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, निम्न में से जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया, जीवन पर्यंत मतलब सतत होने वाली प्रक्रिया कौन सी है, जन्म से मृत्यु तक चलती है? वर्दी है, परिपक्वता, अधिगम, विकास। ऑप्शन कूट बताइए कौन सा होगा, केवल ए, केवल दो तीन, केवल तीन चार, सभी। तो ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं, मैं आपको बता रहा हूँ। पैटर्न एग्जाम का चेंज होता है, हर हर एक साल से पैटर्न चेंज होता है। आपकी बार राजस्थान पुलिस का पेपर देखना, आप कूट वाले क्वेश्चन पूछे गए तो आपके रीट एग्जाम में भी पूछे जा सकते हैं। तो आपको पैटर्न को ध्यान से समझना है, किसी भी टॉपिक को बहुत अच्छे से क्लियर करना है आपको। ठीक है, तो देखो इसमें ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, अधिगम और विकास जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है, जबकि वृद्धि और परिपक्वता एक निश्चित आयु यानी मध्य किशोरावस्था, परिवर्तित किशोरावस्था तक चलने वाली प्रक्रिया है। तो ऑप्शन आपका सी करेक्ट हो जाएगा, 3 व 4। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, यदि अपन क्वेश्चन नंबर 7, विकास के संबंध में सत्य कथन है। विकास के संबंध में सत्य कथन कौन सा है? सही कथन, विकास गतिशील होता है। मैंने बताया आपको विकास गतिशील प्रक्रिया है, इसमें क्रमबद्धता होती है, कर्म से चलता है। पहले बच्चा बैठता है, घुटनों के बल चलना, खड़ा होना, फिर दौड़ना सीखता है। तो क्रमबद्धता होती है, समय में भिन्नता हो सकती है। पूर्व कथनीय परिवर्तनों का प्रारूप है, पूर्व कथनीय परिवर्तनों का प्रारूप है। मैंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया था आपको, जो आपकी पूर्व कथन है यानी आपने जो पहले धारणाएं जो सीखी है उसका प्रारूप क्या है? विकास है। ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? सभी। इसके अंदर डी ऑप्शन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको ध्यान से समझ लेना। एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन है, तो ये यहाँ से क्वेश्चन ऐसा का ऐसा एज इट इज आ सकता है। क्वेश्चन नंबर 7 को बहुत अच्छे से क्लियर कर लेना। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। क्या विकास निर्वात में घटित होता है? निर्वात का मतलब क्या होता है? निर्वात का मतलब होता है निर प्लस वात, निर प्लस वात, निर प्लस वात। तो निर का मतलब होता है नहीं, और वात का मतलब वायु। जहां पर वायु नहीं है, वायुमंडल नहीं है, इन्वायरमेंट नहीं है, उस स्थान को बोलेंगे निर्वात। यदि वायुमंडल नहीं है, निर्वात नहीं है, वायुमंडल नहीं है, इन्वायरमेंट नहीं है, कुछ भी नहीं है, तो बच्चे का विकास नहीं हो पाएगा। बच्चा न तो सामाजिकता सीखेगा, न सामग्री विकास होगा, न शारीरिक होगा, किसी भी प्रकार का विकास संभव नहीं है निर्वात के अंदर। तो बताइए ऑप्शन कौन सा सही होगा आपका, नहीं, हाँ, कहाँ नहीं जा सकता है, इनमें से कोई नहीं। कहाँ क्यों नहीं जा सकता? सीधा सीधा क्लियर है, नहीं यानी हाँ मतलब हो सकता है, कोई दिक्कत, सॉरी नहीं। इसलिए क्या निर्वात में घटित, क्या विकास निर्वात में घटित होता है? तो नहीं, ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा। ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं, सीधा सीधा ये एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन है, ढंग से याद कर लेना इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन है 9, क्या विकास सार्थक वृद्धि के अभाव में भी संभव है? यदि वृद्धि सार्थक नहीं है तो क्या विकास संभव है? क्या जैसे किसी विकलांग को विकलांग व्यक्ति है, क्या वो विकलांग बालक है, क्या वो आईपीएस आई सॉरी आईएएस नहीं बन सकता? एक विकलांग बालक है, मान लो व्यक्ति है कोई भी है, वो अच्छा व्यवसायी बन सकता, तो उसका अच्छा वो डेवलपमेंट कर सकता है, अपने समाज के अंदर सामाजिकता के गुणों को सीख सकता है। तो विकास सार्थक वृद्धि के अभाव में भी संभव है, तो हाँ ऑप्शन क्या जाएगा, बी सी हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, विकास में मुख्यतः देखे जाते हैं, विकास में क्या देखे जा सकते हैं? वृद्धि, अधिगम, वृद्धि और ह्रास, दोनों, केवल ह्रास। तो देखो विकास में जो प्रौढ़ावस्था होती है उसके अंदर मैंने बताया था वृद्धि होती है, वृद्धि होती रहती है, और वृद्धि के साथ साथ जैसे जैसे वृद्धावस्था की तरफ जाते हैं
तो देखो वर्दों के अंदर कुछ क्या होते हैं, ह्रास होते जाते हैं, हानियां होती जाती हैं। ह्रास का मतलब क्या है, उनके पास अनुभव तो बहुत होते हैं लेकिन उनके काम करने की स्किल है और गति है उसमें क्या आती है, कमी आती है। इसे बोलेंगे ह्रास और इसे बोलेंगे हानि। तो दोनों ही इसके अंदर देखे जाते हैं। बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, विकास में ब्लैंक देखने को मिलते हैं। विकास में क्या क्या देखने को मिलते हैं, केवल प्राप्तियां केवल हानियां, दोनों मैंने बताया था दोनों मिलते हैं। प्राप्तियां भी मतलब वृद्धि भी और हानियां क्षरण भी, है ना, ह्रास भी, दोनों मिलते हैं, अभी बात की थी अपने। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं। विकास होता है, विकास किस प्रकार से होता है, एक दिश यानी एक दिशा में यानी वृद्धि वृद्धि, फायदा ही फायदा। बहुदिश मतलब एक से अधिक दिशाओं में, यानी वृद्धि भी हो और ह्रास भी हो, फायदा भी हो नुकसान भी हो, प्राप्तियां भी हो हानियां भी हो। संशोधन योग्य है, लचीला मतलब फ्लेक्सिबल होता है विकास, डेवलपमेंट फ्लेक्सिबल होता है यानी उसके अंदर हम सुधार कर सकते हैं। रीड 2018 में अपने 110 नंबर थे और रीड 2020 के अंदर 130 प्लस नंबर लेके आ दो, तो आपने इसमें क्या कर लिया, आपने डेवलपमेंट है संशोधन कर लिया, सुधार कर लिया, तो इसे बोलेंगे विकास संशोधन योग्य या लचीला होता है। तो कौन सा कोर्स योग्य है, दो और तीन दोनों से योग्य, तो ऑप्शन आपका बी बिल्कुल करेक्ट होगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं अपन। विकास ब्लैंक परस्पर क्रिया से प्रभावित होता है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको ढंग से याद कर लेना, पहले बता रहा हूँ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऐसा का ऐसा एज इट इज क्वेश्चन आ सकता है ये। विकास ब्लैंक परस्पर क्रिया से प्रभावित होता है, विकास किस प्रक्रिया से प्रभावित होता है, जैविक प्रक्रिया से यानी मतलब वंशानुक्रम की बात करें, बिल्कुल सही बात है। संज्ञानात्मक प्रक्रिया, देखो विकास मोस्टली प्रभावित होता है वंशानुक्रम प्लस वातावरण, ठीक है, वंशानुक्रम की बात ये आ गई, फिर वातावरण की बात करें तो वातावरण के अंदर सभी प्रकार के विकास आ जाते हैं, सभी प्रकार के विकास आ गए, संज्ञानात्मक विकास आ गया, सामाजिक विकास आ गया, समयगात में विकास आ गया, सभी प्रकार के विकास आ गए, तो आपके ऑप्शन तीनों से हो जाएंगे कूट ए दो तीन, तो ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, डी, सभी सही है, सभी सही है। ऐसे क्वेश्चन को आपको बहुत अच्छे से क्लियर करना है, टेंशन लेने की बात नहीं है, एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इन क्वेश्चनों में से एग्जाम में आपके क्वेश्चन आ सकता है एग्जाम में, ठीक है। तो ये अपना जो सेशन था, मैंने जो क्वेश्चन कराए थे वो थे अपने वृद्धि और विकास के कंसेप्ट से, संकल्पना से, सीडीपी फर्स्ट और सेकंड थी, उनका निचोड़ है 13 क्वेश्चंस में, या अपने रिवीजन क्लास पढ़ी थी फर्स्ट वृद्धि विकास की संकल्पना, उस चैप्टर का भी रिवीजन है, यानी वो एक ही बात है, सीडीपी 1-2 पढ़ लो या रिवीजन क्लास फर्स्ट पढ़ लो, वृद्धि विकास की संकल्पना और ये 13 क्वेश्चन उनका निचोड़ है पूरा। इसके अलावा इससे कोई क्वेश्चन नहीं बन सकता है, वहां से कोई भी क्वेश्चन नहीं बनेगा जो आपके एग्जाम पैटर्न के अकॉर्डिंग हो, ठीक है। तो बात करते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय, सभी को थैंक यू।